नाउ नेक्स्ट सी प्रोग्राम अगेन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ गिवन केस। इस केस में सबसे पहले डिक्लेयर किया है एरे विथ टू एलिमेंट्स। फर्स्ट केस में जस्ट असाइन हो रहा है वैल्यू एज 5 एंड वैल्यू एज 10। सपोज दैट अगर इस एरे का एड्रेस 100 देन नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या वो 102, देन एरे नेम क्या इस केस में एग्जैक्टली ए। प्लस एरे का बेस एड्रेस 100 है, फर्स्ट एलिमेंट को आप नेम प्रोवाइड करो एज 100 * 100 सेम है *102। ए के रिस्पेक्ट में इसका अदर नेम क्या होगा ए ऑफ 0 एंड ए ऑफ 1, क्लियर। देन सेकेंड केस में जस्ट प्रोवाइड किया हो रहा है पॉइंटर डिक्लेरेशन पी, पी के रिस्पेक्ट में आसान क्या हो रहा है ए। ए मीन्स एरे नेम, एरे नेम जस्ट है ब्लॉक नेम, और ब्लॉक नेम के प्लेस पर रिप्लेस क्या होता है ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस और एरे का एड्रेस क्या है 100, लेकिन इस प्लेस पर कंसिडर क्या हुआ फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। आसान किस में जाएगा पॉइंटर में से, जस्ट एड्रेस कितने बाइट्स का है 4 बाइट्स का है 2 बाइट्स का, ओनली 2 बाइट्स, और पॉइंटर के थ्रू भी कितने बाइट्स पॉइंट करना पॉसिबल ओनली 2 बाइट्स, देयरफॉर इट इज वैलिड असाइनमेंट। पी में जस्ट 100 असाइन हो तो पी इस लोकेशन को या एरे को पॉइंट करना स्टार्ट करेगा, क्लियर। इस केस में एक और लोकेशन क्रिएट होगा *P। *P किसके सिमिलर होगा, जस्ट पी के प्लेस पर पी का वैल्यू रिप्लेस करा दो, पी का वैल्यू क्या 100, तो *P किसके सिमिलर है *P सिमिलर टू *100, क्लियर। नेक्स्ट वन, इस केस में जस्ट अप्लाई क्या किया है, इसे एक्सप्रेशन के अंदर जनरली 3 ऑपरेटर्स अप्लाई किए गए। फर्स्ट ऑपरेटर की बात करें प्री इंक्रीमेंट, देन *, मीन्स वैल्यू कंटेंस ऑपरेटर, देन पोस्ट इंक्रीमेंट। तो प्री और पोस्ट की बात करें, इन तीनों ही ऑपरेटर के प्रायोरिटी सेम है, प्रायोरिटी सेम है, देन इस केस में फॉलो क्या करोगे एसोसिएटिविटी रूल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट सबसे पहले पी के लिए अप्लाई क्या हो रहा है पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट इज ++, पी के लिए अप्लाई हो रहा है *P के लिए, इसके लिए ऑपरेंड क्या है ओनली पी, इसका जस्ट मीनिंग क्या होगा लाइक दैट। लेकिन इस केस में इंक्रीमेंट का टाइप क्या पोस्ट, पोस्ट है तो पहले इंक्रीमेंट और पहले रिप्लेसमेंट, जस्ट सबसे पहले क्या परफॉर्म हुआ इस केस में पोस्ट के केस में क्या होता है पहले रिप्लेसमेंट देन इंक्रीमेंट, पहले पी के प्लेस पर पी का वैल्यू रिप्लेस कराएंगे, पी का वैल्यू क्या है जस्ट 100, तो रिप्लेस क्या करोगे 100, देन इमीडिएटली पी में इंक्रीमेंट होगा तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 102। अब पी किस लोकेशन को पॉइंट करेगा, जिस लोकेशन का एड्रेस 102 है, मीन्स *P इस केस में किसको रेफर करेगा 102, *P सिमिलर टू *102, क्योंकि पी के प्लेस पर रिप्लेस क्या होगा 102। नेक्स्ट वन, इसके बाद लोकेशन क्या है *100, तो नेक्स्ट टाइम प्री इंक्रीमेंट किस में अप्लाई हो रहा है, प्रीवियस केस में इंक्रीमेंट अप्लाई हुआ था पी के लिए, मीन एड्रेस में इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन करेंटली इंक्रीमेंट किस में अप्लाई हो रहा है *100, *100 मीन्स लाइक वेरिएबल नेम्स, मीन्स जो ऑपरेशन वेरिएबल नेम्स के लिए पॉसिबल है सेम ऑपरेशन *100 के लिए भी पॉसिबल है। तो इसके इसमें प्री इंक्रीमेंट *100 में होगा, *100 का करंट वैल्यू क्या है 5, इंक्रीमेंट होने से इसकी वैल्यू क्या हो जाए जस्ट 6। सेकेंड केस में डिस्प्ले कराया रिजल्ट, रिजल्ट के केस में आउटपुट में जस्ट डिस्प्ले क्या हो, फर्स्ट केस में क्या है *P, और *P करेंटली क्या शो कर रहा है आपको 10। सेकेंड केस में बात करें A0 में क्या स्टोर है 6, वैल्यू ऑफ A ऑफ 1 में भी क्या स्टोर है ऑल्सो 10। दिस इज द आउटपुट ऑफ गिवन एग्जाम्पल।